दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रदेश के टॉप संस्थानों में एक साइंस कॉलेज यहाँ पर एडमिशन कब से स्टार्ट होगा और हम ये भी जानेंगे कि जो मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो कितने कितने सीट है एमएससी में इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और एडमिशन प्रोसेस क्या होगा पूरी बात करेंगे इस बार किनका एडमिशन हो सकता है यानी कि कट ऑफ कितने जाने के चांसेस है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको यह जानकारी मिल सके आइए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि आज पत्रिका न्यूज़ पेपर में प्रकाशित हुआ है साइंस कॉलेज में इस बार कट ऑफ बढ़ जाएगा पिछले दिन के मुकाबले यानी कि जो पिछले वर्ष कट ऑफ गया था तो इस वर्ष कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकती है साइंस कॉलेज में टोटल सेवेंटी थ्री यानी कि तिहत्तर कोर्सेज अवेलेबल है जिनमें से दोस्तों बीएससी और बीकॉम कंप्यूटर साइंस की सबसे ज़्यादा डिमांड है साइंस कॉलेज में और साइंस कॉलेज में एमएससी फिजिक्स और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी का भी सबसे ज़्यादा डिमांड है आप यहां पर देख सकते हैं और कुल cool 116 फैकल्टीज है साइंस कॉलेज में पढ़ाने के लिए इसी प्रकार दोस्तों हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर इस तरह सीट इनटेक यानी कि यहाँ पर जितने भी सीट देख रहे हैं बीएससी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी कि पीसीएम में तीन बी फिजिक्स गणित इलेक्ट्रॉनिक में चालीस इस प्रकार से क्रमवार यहाँ पर सीट इंटेक देख सकते हैं यहीं पर देखेंगे दोस्तों यू कोर्स की सीटें तो बी में टोटल 500 सौ सीट है तो बी कॉम में चार सौ बीस है बी कॉम कंप्यूटर में सौ सीट है तो बी में सौ चालीस टोटल सीट यहां पर एक हज़ार साठ के आसपास है और जो बी वाले हैं वो इधर देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताया था इधर देख सकते इ, इस तरह है सीट इनटेक इस कॉर्नर पर बी एस वाले स्टूडेंट देख सकती हैं पी कोर्स की सीट की बात की जाए तो पी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सभी लोग बोल रहे हैं कि पी में कितने सीट है तो साइंस कॉलेज दुर्गा में पीजी के यहाँ पर ट्वेंटी फाइव सीट है केमिस्ट्री के भी ट्वेंटी फाइव गणित के सिक्सटी सीट है बॉटनी के भी ट्वेंटी फाइव जूलॉजी के भी ट्वेंटी फाइव जियोलॉजी के ट्वेंटी फाइव माइक्रोबाइलॉजी का भी ट्वेंटी फाइव हिंदी का चालीस है अंग्रेजी का भी अर्थशास्त्र का भी चालीस है जियोग्राफी का चालीस राजनीति शास्त्र का चालीस समाज शास्त्र का चालीस इतिहास का चालीस कॉमर्स का सबसे ज़्यादा एक सौ चालीस लाइब्रेरी साइंस का बीस पी जी डी सी ए का सबसे ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पर एक सौ पचास सीट है पी जी डी सी ए का एम एस डब्ल्यू का है चालीस सीट तो आप देख सकते हैं कि पी जी में ये इतने सीट है तो आप समझ सकते हैं कि इतने कम सीट है बहुत कम सीट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ये सब में पी जी डी सी में एक सौ पचास है जबकि तो कट ऑफ तो इस बार बहुत हाई जाएगा आप समझ सकते हैं साइंस कॉलेज से यदि आप एम ए एम एस सी करना चाहते हैं एम कॉम करना चाहते हैं यानी कि मास्टर डिग्री करना चाहते हैं अब बात करते हैं प्रवेश कब से स्टार्ट होगा तो प्रवेश पार आप देख सकते हैं कि प्रवेश जो है 16 जून से स्टार्ट हो जाएगा प्रवेश प्रारंभ सोलह से स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा यानी कि प्रथम सूची प्रथम सूची पंद्रह दिन यानि कि पंद्रह दिन के बाद तीस जून तक जारी हो जाएगा जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट में साइंस कॉलेज के और कॉलेज के जो बोर्ड है वहां पे चस्पा दिए जाएंगे तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं आपका नाम पहले लिस्ट में आया है या नहीं पिछले वर्ष की बीते पिछले कई वर्षों की बात की जाए तो पिछले वर्ष इतना कट ऑफ गया था बी एस सी बायोग्रुप में नाइन्टी वन परसेंट बी एस सी कंप्यूटर ग्रुप में नाइन्टी परसेंट एम ए में सिक्सटी परसेंट एम एस सी में सेवेंटी फाइव परसेंट बी गणित ग्रुप में एट्टी फाइव परसेंट बी में सत्तर परसेंट बीकॉम में पैंसठ परसेंट और बी में साठ परसेंट ये पिछले वर्ष से बीते कुछ वर्षों का कट ऑफ है तो इस वर्ष कट ऑफ आप, आप समझ सकते हैं कितना जा सकता है इसे चार पाँच परसेंट हाई हो सकता है जैसे एम में पचहत्तर परसेंट गया इस साल एम में हो सकता है अस्सी परसेंट चाहे अस्सी परसेंट चौरासी पचासी परसेंट जाने के चांसेस है तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा कट ऑफ इस बार देखने को मिलेगा क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर हुआ है तो बहुत सारों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रखा था तो सभी लगभग पास हो चुके हैं और सभी कम से कम एटी फाइव परसेंट से ज़्यादा आए हैं तो उम्मीद है कि इस बार कट ऑफ भी पचासी से ऊपर जाएगा चाहे आप मास्टर करें चाहे आप बी ए बी एस्सी बी कॉम करें ठीक है ना आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैं पूरा बता दिया हूँ आपको कट ऑफ को आप पूरा देख लेना अच्छे से इसका स्क्रीन शॉट भी आप लेकर रख लो ठीक है ना आप समझ गए होंगे एडमिशन सोलह तारीख से सो स्टार्ट हो जाएगा सोलह जून को तो आप एडमिशन जल्दी से करा देना जितना जल्दी हो सके एडमिशन प्रोसेस जो इसका ऑनलाइन होगा जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह आपको देने पड़ेंगे तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे साथ ही आप हमें अधिक जानकारी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है